गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सब लोगों को मेरा ऑडियो क्लियर है? यस सर। मेरा वीडियो क्लियर है? यस सर। एवरीथिंग गुड? आवाज क्लियर है बिल्कुल? कहीं भी ब्रेक तो नहीं हो रही बीच में कहीं भी? तो गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, राइट? है ना? तो फाइनली काफी स्ट्रगल करने के बाद हम लोगों ने अपना जो आप लोगों के साथ मेरा पहला टॉपिक था वो कंप्लीट किया हमने। अभी घर पे नहीं हूँ बट हाँ अभी अपने कजन के यहाँ पर आ गया हूँ मैं, ठीक है? चलो ठीक है। तो काफी स्ट्रगल करने के बाद हम लोगों ने आपके बैच में जो मेरा पहला टॉपिक था सिरोलॉजी वो कंप्लीट किया लास्ट वीक, ठीक है? आई होप सबको क्लियर होगा। और आज हम लोग एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी वापस से सबसे पहले किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वही चीज मैं आपको फिर से बताऊंगा कि इसका कौन से एग्जाम के लिए कितना वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंस ये रखता है। पहले ये टॉपिक एसएससी में नहीं आया करता था, एसएससी में नहीं आता था, बट अब एसएससी में भी इसके क्वेश्चन आने लगे हैं। आपको क्वेश्चन दो मार्क्स का, मार्क्स का आपको यहाँ पर दो, एक क्वेश्चन दो मार्क्स का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एसएससी में। तो वहीं पर अगर बात करता हूँ बैंकिंग एग्जाम की, तो जैसे सबसे पहले अभी एसबीआई क्लर्क एग्जाम जो है वो सबसे रिसेंटली आपके सामने आने वाला है, ठीक है? ज्यादातर लोग एग्जाम दोगे बट ऑब्वियसली बात है कि अभी आपने तैयारी शुरू करी है इसमें और जून में पेपर होगा तो मार्च अप्रैल मई मतलब फोर्थ मंथ में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है बट स्टिल यू नीड टू गिव द एग्जाम की आपको एक्सपीरियंस मिले। और अगर पेपर भी क्लियर करिए बहुत बड़ा क्या बोलते हैं ये बहुत बड़ा आपका एक सक्सेस होगी कि चार महीने की तैयारी में अगर आप कोई प्रीलिम्स निकाल लेते तो बहुत अच्छा होगा। एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखोगे 3 मार्क्स तक का। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स तक का, ठीक है? वहीं पर मतलब बेसिकली 3 to 5 रहता है बट कभी कभी 3 का भी आ जाता है, कभी कभी 5। पर अगर हम बात करेंगे मेंस की तो मेंस में ये क्वेश्चन आपके आते भी है नहीं भी आते, आता है तो 1 से 2 मार्क्स तक का रहता है। तो इंपॉर्टेंस है इसकी ज्यादा वो किसमें है? प्रीलिम्स में है, ठीक है? इसकी जो इंपॉर्टेंस ज्यादा वो किसमें है? प्रीलिम्स में है, ठीक है? गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। तो क्लियर हुआ ओवरव्यू इसका कि कौन से एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप डिसाइड मुझे बताओ। हाँ हाँ बैंकिंग एग्जाम में आईबीपीएस पीओबी आ जाता है, आरआरबी पीओबी आ जाता है, एसबीआई पीओबी आ जाता है, आईबीपीएस क्लर्क भी आ जाता है, आरआरबी क्लर्क भी आ जाता है, एसबीआई क्लर्क भी आ जाता है, सारे ये बैंकिंग एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बताओ इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। बता तो दिया एसएससी के प्रीलिम्स में ही आता है रीजनिंग सेक्शन, मेंस में तो होता नहीं है। तो एसएससी में एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? 2 मार्क्स का, ठीक है किरत? ठीक है, सुनो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर पढ़े होंगे, जैसे कि आपने पढ़े होंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर,
आपने पढ़े होंगे लॉजिकल ऑपरेटर, आपने पढ़े होंगे कंपेयरिंग ऑपरेटर, पढ़े ही ऑपरेटर आप लोगों ने, मैथमेटिकल ऑपरेटर, आपके लॉजिकल ऑपरेटर और आपके कंपेयरिंग ऑपरेटर। तो इन सारे ऑपरेटरों में से जो आपका कंपेयरिंग ऑपरेटर है, जो आपका कंपेयर उनका यूज हम यहां पर करने वाले, कंपेयरिंग ऑपरेटर का यूज हम यहां करने वाले। कंपेयरिंग ऑपरेटर क्या होते हैं बच्चों? शीतल क्या कह रहे हो? ये इश्यू अभी आपके साथ है, किसी और के साथ भी है? वॉइस ब्रेक होने का? यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही है, बीच बीच में हो रही है। ज्यादा हो रही है क्या? नहीं ज्यादा तो नहीं हो रही, पर हो रही है। तो कितनी नहीं हो रही? अभी ठीक है। ठीक, तो कंपेयरिंग ऑपरेटर क्या क्या होते हैं आपके? कंपेयरिंग ऑपरेटर आपके बेसिकली, जो बेसिक कंपेयरिंग ऑपरेटर होते हैं वो तीन तरह तीन होते हैं, बेसिक, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। ये तीनों होते हैं आपके कंपेयरिंग ऑपरेटर्स। क्या होते हैं ये तीनों? होते हैं आपके बेसिक कंपेयरिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, ये होते हैं क्या आपके बेसिक कंपेयरिंग ऑपरेटर्स, लेसर देन। इन इनके कॉम्बिनेशन से ही हम और तरह के ऑपरेटर्स देखते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले और दूसरे को कंबाइन करता हूं तो ग्रेटर देन लेस देन, तीसरे को कंबाइन करता हूं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सेकंड और थर्ड को कंबाइन करता हूं तो मिलता है लेस देन इक्वल्स टू। मतलब मेरे पास तीन कंपेयरिंग ऑपरेटर, उन तीनों बेसिक कंपेयरिंग ऑपरेटर्स को मैं एक दूसरे के संग मैच कर देता हूं, या किसी भी दो कंपेयरिंग ऑपरेटर का, तीन बेसिक कंपेयरिंग ऑपरेटर में से किसी भी दो ऑपरेटर्स का अगर कॉम्बिनेशन का यूज करता हूं मैं, किसी भी तीन कंपेयरिंग ऑपरेटर्स में से अगर किसी भी दो ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज करता हूं मैं, तो आपका ये तीनों टाइप के ऑपरेटर्स भी बन जाते हैं। तो इन टोटल आपके सिक्स ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, समझ आइए? ओके, अभी क्लियर है वॉइस सबको? ठीक है, तो बेसिकली तीन बेसिक टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं आपके, तीन बेसिक टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, और बाकी के जो तीन होते हैं वो बेसिक नहीं होते, वो इनका कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, चलो अब इन ऑपरेटर्स का इनके साथ क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।
ओके जैसे कि आपके सामने अगर लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन जेड, ठीक है, और फिर मैं आपके सामने बोलूं ये आपका एक तरीके का मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन जेड, अगर मैं बोलता हूं एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दूसरा मैं बोलता हूं सॉरी, अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे एक्स का रिलेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं एक्स इज ग्रेटर देन जेड, एक्स इज लेस देन जेड और एक्स इज इक्वल टू जेड, तो क्या होगा यहाँ पर ए ये तो आपको स्टेटमेंट का समझ में आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन z होगा, लेकिन अगर यहीं पर मेरा स्टेटमेंट हो जाए x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, अब मैं बोलता हूं x इज ग्रेटर देन z, x इज इक्वल टू z और x इज लेस देन z, आपको एक और x is greater than equal to z. बताओ करेक्ट होगा इसमें से? ओके d नहीं होगा सही, सर d क्या है? x is greater than equal to z. यस सर d भी सही होगा. सुनो जैसे सिलॉजिज्म में जब हम लोग सिलॉजिज्म पढ़ रहे थे तब मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी चीज को आप ट्रू कब बोलोगे, किसी भी चीज को आप ट्रू कब बोलोगे जब उसके सारे पैरामीटर्स या सारे कॉर्नर से वो प्रूव हो जाए, जब किसी भी चीज को ट्रू कब बोलोगे जब अपने सारे पैरामीटर्स या सारे उस चीजों से वो ट्रू हो जाए, यस सारे एविडेंसेस से. तो यहाँ पर आप एक चीज देखो कि यहाँ पर जो सारे एविडेंसेस हैं क्या हैं, देखो सबसे पहले अगर मैं क्या करता हूँ इसके एविडेंसेस फाइंड करने के लिए, जैसे सिलोजिज्म में हमने एविडेंसेस फाइंड करने के लिए वेन डायग्राम का यूज किया था, यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे हम लोग, किसका यूज करेंगे हम लोग, नंबर लाइन का, ठीक है. तो मुझे एक चीज बताओ ये जो नंबर लाइन होता है क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा है इसके बारे में? नंबर लाइन के बारे में आप लोगों ने कभी पढ़ा है? ठीक, तो यहां पर हमें नंबर लाइन का यूज करके इसे प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है. जैसे कि x ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन इक्वल टू z है, तो देखो कैसे. सबसे पहले अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो x अगर y से बड़ा है तो x y इसके प्ले. अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि y is also greater than equal to z. यहाँ पर आपको एक बात, अभी सबको आवाज आ रही मेरी? तो यहां पर आप एक चीज देखो, जैसे कि मैंने बोला x इज ग्रेटर देन y, यहां पर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z में y की दो कंडीशन है, y एक से बड़ा है और y इक्वल है, राइट.
वाई जेड से बड़ा है और वाई जेड की इक्वल है, दो दो कंडीशन है यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपके पास दो दो कंडीशन है। अब आप इस नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहली कंडीशन बनाओगे वाई ग्रेटर देन जेड और दूसरी क्या बनाओगे वाई इक्वल टू जेड, एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया और वाई इक्वल टू अगर आपका जेड हो जाएगा तो आपका ये पोजिशन पे कहाँ आएगा, ये जेड आपका जेड इसी की पोजिशन पे आ जाएगा। क्या समझ आया ये दोनों नंबर लाइन? यस सर। ठीक है तो हाँ, तो बेसिकली अगर आप इसको देखते हो एक्स पहली वाली, अगर आप आपको अब आपको कोई भी चीज चेक करनी है, जैसे आपको ये चेक करना है एक्स इज ग्रेटर देन जेड, तो अगर आप इसको ट्रू बोलना चाहते हो तो यहां पर भी एक्स ग्रेटर देन जेड है और यहां पर भी एक्स ग्रेटर देन जेड है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा फॉर श्योर। ठीक, अब आप यहां पर देखो एक्स इक्वल टू जेड, क्या ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, एक्स इक्वल टू जेड ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। x less than that true है false है? False. False. अब यहाँ पर देखो x is greater than equal to z है, तो अगर आप इस condition को check करोगे, तो अगर आप पहली वाली condition में जाती हो, तो x यहाँ पर greater than z दिखा रहा है। प्रीति पहले सुन लो, x यहाँ पे greater than z दिखा रहा है, तो क्या equal to है यहाँ पर? क्योंकि अगर मुझे इसको true बोलना है, तो मेरे लिए दोनों conditions सही होनी चाहिए, x greater than z भी होना चाहिए और x equal to z भी होना चाहिए। समझ आया ये बात? x greater than z भी होना चाहिए, x equal to z भी होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर मैं ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जाऊंगा, तो पहली वाली नंबर लाइन में आप देख लो x greater than z सेटिस्फाई कर रहा है, बट x equal to z सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर अगर आप सेकंड वाले में देखोगे तो x greater than z वापस सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन x equal to z सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, ये आपका फॉल्स है। समझ आया ये पॉइंट? इसमें सर दोनों चीज देखनी पड़ेगी ना, कि वो मैं आपको बता दूंगा, ये तो मैं सिर्फ अभी समझाने के लिए बना रहा हूँ नंबर लाइन, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नंबर लाइन कैसे देखोगे, तो यहाँ पर आप पहले देख रहे हो कि x is greater than z, आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसकी नंबर लाइन बना पाओगे, हरिमोहन नहीं बना पाओगे, जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है हरिमोहन, क्या उसकी नंबर लाइन पे आप उसे ट्रेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? वो तो बना लेंगे, फिर दिक्कत क्या आ रही है सर? सर जैसे इसमें है x greater than z, तो सर इसको चेक कैसे करेंगे, x तो less than है ना z के, कहां से less than है भैया, कहां से पहले आ रहा है ना, तो x पहले आ रहा है तो x बड़ा होगा है ना, x सर x की पहले जीरो होगा, जीरो से आगे बढ़ेंगे तो ये z बड़ा। अरे भैया वो मत सुनो, वो मत ध्यान में रखो, मैं इसको कहूं जो बड़ा है वो आगे आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप तो सीरियस हो गए। देखो यहाँ पर ठीक है, x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है, और y अब यहाँ पर आपको बेसिक फंक्शन का नाम दे रहा हूं, यहाँ पर जो बड़ा है वो आप लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे और जैसे y उससे छोटा है उससे पीछे, और z है उससे पीछे। समझ आया हरिमोहन? हाँ सर आगे। ठीक है, अभी नहीं होगी प्रिया, ठीक है चलो। तो बेसिकली यहां पर इन दो एग्जांपल्स में आपको मैंने एक चीज दिखाई, कि दोनों स्टेटमेंट्स में यहां पर लिखूंगा, इसको देखना।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो स्टेटमेंट लिए थे, ये दो स्टेटमेंट लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर बिना नंबर लाइन बनाए हुए अगर डायरेक्टली किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पूछा जाएगा तो कैसे बताओगे? जैसे कि यहाँ पर अगर मैं तीसरा और लेकर आ जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z एंड z इज इक्वल टू a, ठीक। ये स्टेटमेंट दिख रहा है आप लोगों को, समझ आया ये क्या है? तो अगर मैं आपसे बोलता हूं x इज ग्रेटर देन a, x इज लेस देन a और x इज इक्वल टू a, तो क्या करेक्ट होगा इसमें? सर पहला वाला तो सही होगा। ओके और जैसे यहां पर मैं ये बोल दूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए चौथा, फिर क्या होगा? सर फिर भी फर्स्ट वाला ट्रू होगा। सर फर्स्ट मेरे ख्याल से सर थर्ड एंड फोर्थ भी ट्रू होंगे यहां तक। इधर दो कंडीशन है, वाई या तो जेड या वाई जेड के बराबर है। तो वाई जब आपका जेड से बड़ा है तो जेड यहां आ गया और वाई आपके जेड के बराबर है। अभी एक कंडीशन को एक बार पुट करेंगे, y z से बड़ा है और z आपका a के बराबर है, तो a आपका यहाँ पे आ जाएगा सेम पॉइंट पे। अब दूसरी कंडीशन बनाने जाऊंगा x is then y and y is greater than, अब यहां पर मैं दूसरी कंडीशन को लेता हूँ y is equal to z, तो y is equal to z यानी कि सेम पोजीशन पे आ जाएगा और z equal to a, तो a भी इसी पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि अगर मैं दो कंडीशन को लेकर चलता हूं तो x greater than y, y greater than z और z equals to a, पहली वाली कंडीशन यहां पर आ गई और दूसरी कंडीशन क्या है x greater than y, y is equal to z and z is equal to a, समझ आया? अगर आप यहां दोनों नंबर लाइंस को ध्यान से देखो तो यहां पर x greater than a true होगा या false होगा? तो true होगा, true होगा, क्योंकि यहां दोनों कंडीशंस में ही आपका x greater than a एक आपका true होगा, ठीक। उसके बाद सेकंड वाला बताओ क्या होगा? फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। थर्ड वाला क्या होगा? फॉल्स, फॉल्स होगा सर। फोर्थ भी, अब बताओ फोर्थ वाला क्या होगा? फॉल्स, तो फॉल्स होगा। अब आया समझ में नंबर लाइन को देखने के बाद? यस सर। सर नंबर चीजें आप नहीं बनानी पड़े, रुक जाओ अभी अभी थ्योरी समझ लो, नहीं बनानी पड़े, ठीक। अब यहाँ पर तीन आपके सामने स्टेटमेंट लिखे हैं, तीनों स्टेटमेंटों को ध्यान से देखिए। ये एक लिखा है, ये एक लिखा और एक स्टेटमेंट ये लिखा है, ठीक, और बाकी सारी चीजें हटा। आपको एक बेसिक चीज याद ध्यान रखनी पड़ेगी, वो बेसिक चीज क्या है सुनो, ठीक है। यहां पर जैसे कि मैंने x और z के बीच में रिलेशनशिप पूछा था, यहां पर भी x और z के बीच में रिलेशनशिप पूछा था और यहां पर x और z के बीच में पूछा था। जब भी दो वेरिएबल्स, किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप पूछा जाता है और अगर उन तीनों के बीच में ये तीनों तरह के सिंबल आते हैं, ये तीनों सिंबल, यहां पर इन तीनों सिंबल की खासियत ये है, या तो इनका फेस एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई फेस होता नहीं इक्वल टू का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन तीनों का फेस एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका हमेशा रिजल्टेंट क्या होगा? इसका हमेशा रिजल्टेंट होगा ग्रेटर देन, ठीक। और अगर ये दोनों सिंबल्स आते हैं आपके, तो इसका रिजल्टेंट होगा ग्रेटर देन। अगर ये दोनों सिंबल्स आते हैं आपके, तो इनका रिजल्टेंट होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इन तीनों सिंबल्स की बात करता हूं, तो ये आता है आपका पहली प्रायोरिटी पे, ये आता है दूसरी प्रायोरिटी पे और ये आता है तीसरी प्रायोरिटी पे। समझ आई किसी बात? अगर आप चाहो तो ऊपर मेरे नंबर लाइन देकर आपको समझाया है, आप वहां से भी थोड़ी समझ सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका, ये ट्रिक है, अब आपको नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? सर
सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए क्या चीज एक्सप्लेन करनी है, पहले आप वो बताओ, पूरा एक्सप्लेन करना है कोई पर्टिकुलर चीज एक्सप्लेन करनी है बताओ, पहले थर्ड प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच में जो पहले प्रिया फिर से बताओ क्या कह रहे हो, सर ये जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी बताया वो आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। अरे आप यहाँ पर देखो ना ऊपर, यहाँ पर एक्स और जेड के बीच में इस वाले स्टेटमेंट में देखो जो रिजल्टेंट था ट्रू, कौन सा रिजल्टेंट था इसके बीच में, एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, एक्स और जेड के बीच में कौन सा रिजल्टेंट ट्रू था, एक्स ग्रेटर जेड था, यहाँ पर एक्स जेड के बीच में कौन कौन सिंबल्स आ रहे हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट ये हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली प्रायोरिटी इसको जाती है, समझ आया नहीं आया अभी प्रिया? ठीक, सिमिलरली अगर आप ये वाला स्टेटमेंट देखो यहाँ पर, x is greater than y, y is greater than equal to z और z is equal to a, इसके बीच में जब मैंने आपसे बोला था x और a के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो true कौन सा हुआ था, ये तो true हुआ था सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पर सिंबल्स क्या क्या आ रहे हैं, greater than equals to और equals to, इन तीनों को प्रायोरिटी पे प्रायोरिटी बेसिस से बड़ा कौन होगा, इसमें ग्रेटर होगा बड़ा, ठीक है, तो वही तो बता रहा हूँ कि जब ये तीनों सिंबल साथ में आ रहे हैं तो बेसिकली ये ग्रेटर देन आपका रिजल्टेंट है, तो ध्यान ये रखना है कि पहली प्रायोरिटी इसको जाएगी और अगर ये एब्सेंट है तो दूसरी प्रायोरिटी इसको जाएगी, और अगर ये दोनों एब्सेंट है तो बात है ये एक बचा ये हो जाएगा। अभी समझ में आया सब लोगों को, एक बार फटाफट से बताओ मुझे, ठीक है, ओके, क्लियर है सबको यहां तक चीजें अच्छे से, क्योंकि यहां पर हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं और अब बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग जो ट्रिक्स एंड टिप्स है ना इनको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। सर अगर हम ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो फिर हमें नंबर बिल्कुल नहीं बनानी पड़ेगी, इसलिए तो बताया है, नंबर लाइन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बताया कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन को करो, ठीक है। सर जी बोलिए, ये तो ग्रेटर देन का हो गया, अगर इसी की जगह लेस देन का आएगा तो भी सेम ही चलेगा? बिल्कुल सेम चलेगा, वही चीज मैं बताने वाला था, सिमिलरली आपको क्या याद रखना है कि अरे आपके पास, अगर आपके पास सारे सिंबल्स इस तरीके के हैं यानी कि इनका फेस इस तरफ है, तो अगेन पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी, दूसरी प्रायोरिटी इसको मिलेगी, समझ आया ये पॉइंट, इसके लिए आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने उन पर्टिकुलर सिंबल्स की थ्योरी पढ़ी है वो सेम थ्योरी अप्लाई होगी, बस आपको प्रायोरिटी ये ध्यान रखनी है, समझ आई ये पॉइंट? समझ आई ये पॉइंट सब लोगों को? अब बात आती है कि सर अगर आपने ये बता दिया जब सारे सिंबल्स का डायरेक्शन एक ही तरफ है, लेकिन अगर कुछ हो कि x is greater than y and y is less than z,
तो क्या होगा, x ग्रेटर देन z, x क्या सही होगा इसमें से बताओ, x ग्रेटर देन z, x लेस देन z, x इज लेस देन z, x is less than z, okay, very good. Again, इस चीज को नंबर लाइन पर हम लोग ड्रॉ करते हैं सर, कोई भी हो सकता है इधर, अगर हम हाँ अगर हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो x is, अब पॉइंट ये आता है कि चलो ये चीज तो हमेशा रहेगी रहेगी, x greater than y हमेशा रहेगा ही रहेगा. अब बात आती है यहाँ पे क्या लिखा है, z is greater than y, यहाँ पे क्या लिखा है, z is greater than y, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x is greater than z and z is greater than y, तो x is greater than y तो ठीक है समझ आ रहा है. अब z is greater than y है तो इसको कैसे बनाओगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में उसके बारे में बताया नहीं गया. तो अगर z is greater than y है तो z को आप यहां भी प्लेस कर सकते हो, z को आप यहां भी प्लेस कर सकते हो, और आप z को x के साथ भी प्लेस कर सकते हो. तीनों कंडीशन में z greater than y आपका दिख रहा है, तीनों कंडीशन में z greater than y आपका दिख रहा है. समझ आया ये पॉइंट, तो अगेन अगर मैं इनके रेस्पेक्ट में कुछ भी बोलने चाहूंगा, या मैं बोलता हूं x greater than y है, अगर मैं बोलता हूं x greater than y है तो x greater than y सिर्फ addition के लिए ठीक हो जाएगा, बट बाकी रिमेनिंग दो के लिए नहीं. तो जब सारे एविडेंसेस एक तरफ नहीं जा रहे हैं तो वो फॉल्स होगा. सेकंड है कि x less than z है, x z से छोटा है, तो वो चीज इस वाली कंडीशन में ट्रू हो रही है, बट इन दोनों में नहीं हो रही. तो इसका मतलब क्या, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा. समझ आया, समझ आया सभी लोगों को. तो भाई ये तो थी थ्योरी, ये तो थी थ्योरी, अब याद क्या रखोगे, याद कैसे रखोगे, इसको देखो याद कैसे रखोगे. कि अगर आपके पास किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर आपको किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, और अगर उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ इस तरीके के सिंबल्स आपको दिखाई दें, यानी कि अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ जाएं, तो आप होगा क्या, समझ में आई थ्योरी एज़ वेल एज़ टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी है दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आई. ठीक है प्रज्ञा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. मैं ये बोल रहा हूं कि अगर किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप निकालना है और उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में अगर अपोजिट फेस करने वाला सिंबल आ जाता है, जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में आपको एक्स और जेड के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था, इन दोनों के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे थे, तो जब भी ऐसा होगा कि दो वेरिएबल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होगा और उन दोनों वेरिएबल्स के जो सिंबल्स है वो अपोजिट फेस वाले होंगे, तो उसमें उस केस में रिजल्टेंट होगा आपका फॉल्स. समझ में आया प्रज्ञा,
जी नहीं कह रहे थे फिर से ये करोगे तो नहीं हो सकता, दिखा तो दिया वो चीज आपको मैंने, फिर भी आप पूछ रहे हो चीज। ये आपने जो बनाया है इसमें सिंबल का फेस देखना किस तरह बना रहा है एक बार किरण, आपने जो चैट बॉक्स में सिंबल्स बना के भेजे हैं इसका देखना फेस किस तरह पे, आपने क्या बना के भेजा है। आपने ये बना के भेजा मुझे, तो क्या ये अपोजिट फेस करने वाले नहीं है किरण? ओके नो प्रॉब्लम, ठीक। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को एक बड़ी बेसिक सी बात बताओ, क्या एक बात बताओ फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में कोई डिफरेंस होता है? फॉल्स या डेफिनेटली फॉल्स में कोई डिफरेंस होता है? यस सर। ओके अभी ये बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए है ना, क्योंकि तो आप लोगों को सिलोजिज्म पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर टू, क्या ट्रू या डेफिनेटली ट्रू में कोई फर्क होता है? नो सर, दोनों सेम होते हैं। अब जब हमने इतना पढ़ लिया ट्रू और फॉल्स पढ़ लिया, अब थोड़ा सा आगे पढ़ने की बारी आती है। देखो अगर यहाँ पे लिखा है x is greater than y, y is greater than equal to z, that is equal to c। सुनना मेरी बात को ध्यान से, पहले तो बच्चों में आपसे अब जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब दोगे मुझे, इसमें से ट्रू कौन सा है? सर इसमें से सर फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ठीक है, फर्स्ट वाला ट्रू है। सबका आंसर एक बार ले लेता हूं मैं, ठीक है। ओके अब मुझे बताओ फॉल्स कौन सा है इसमें से? तो सेकंड ध्यान से देना आंसर, फॉल्स कौन सा है? पहले वाला तो ट्रू हो गया, पहला वाला क्या हो गया, ये तो हो गया ट्रू। अब मुझे बताओ फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है? सर सेकंड वाला डेफिनेटली फॉल्स है। सर सेकंड वाला डेफिनेटली फॉल्स है। कमेंट सेक्शन में लिख दो, इतने सारे लोग बोल रहे हैं फॉल्स कौन सा है और डेफिनेटली कौन फॉल्स कौन सा है। सेकंड वाला डेफिनेटली फॉल्स है और थर्ड वाला उसकी पॉसिबिलिटी मतलब एक उसमें वो बन जाएगा एक नंबर लाइन में। सुनो जब भी किसी दो वेरिएबल्स के बीच में एक डेफिनेट रिजल्ट आ जाता है, इसके बीच में जब एक डेफिनेट रिजल्ट डेफिनेटली ट्रू होता है तो बाकी के डेफिनेटली फॉल्स होते हैं। एक सिंपल सी बात, अगर मैंने ये बोला कि प्रीति रेणुका से बड़ी है, प्रीति रेणुका से बड़ी है, तो जब वो चीज डेफिनेटली ट्रू है तो प्रीति रेणुका से छोटी या उसके बराबर क्यों होगी? जब प्रीति रेणुका से बड़ी है तो सिंपल सी बात यह है कि प्रीति रेणुका से छोटी या बराबर क्यों होगी? समझ आया ये बात या नहीं समझ में आई?
यस सर गॉट इट। इसका मतलब ये दोनों जो रिमेनिंग कंक्लूजन है ये क्या होंगे, पहले वाले को छोड़ दें अगर डेफिनेटली फॉल्स होंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें सब लोग, थोड़ा सा लगाओ और मुझे बताओ ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है। आराम से पहले तीनों आप लोग देख लो, तीनों का 1 2 3 करके मुझे ऑप्शन, मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ, 1 ये 2 ये 3 ये। सब पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू और थर्ड है डेफिनेटली नहीं। अच्छा फर्स्ट ट्रू है, सुनो पहला वाला x और z के बीच में रिजल्टेंट क्या होगा, ग्रेटर, करेक्ट, ये ट्रू है। आप सुनना बात को ध्यान से, y इज ग्रेटर देन c, सी का रहे हैं y और c के बीच में सिंबल और इक्वल्स टू, इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका रिजल्टेंट क्या होता है, सर फॉल्स, इसका रिजल्टेंट ग्रेटर देन इक्वल्स, इसका रिजल्टेंट होता है ग्रेटर देन इक्वल्स, यानी इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में तभी कोई चीज ट्रू होगी तब ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो क्या आ रहा है, यहां पर ग्रेटर देन बताती है कि ये फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है, सर फॉल्स होगा, यस ये फॉल्स होगा, ये डेफिनेटली फॉल्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि डेफिनेटली, अब चीजों को थोड़ा सा और गौर से सुनना, चीजें डेफिनेटली फॉल्स तब होती हैं जब अगर आप उनको नंबर लाइन पर ट्रेस करो और एक भी कंडीशन के अंदर वो बनकर नहीं आती तो चीजें डेफिनेटली फॉल्स होती हैं। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे कि या तो वाई सी से बड़ा है बराबर कि एक कंडीशन में सही हो जाएगा दूसरी में नहीं हो पाएगा, इसलिए ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। सुनो वापस से, यहां पर y ग्रेटर देन c, अगर आप एक जगह y ग्रेटर देन c बनाओगे और एक जगह y इक्वल टू c बनाओगे तो y ग्रेटर देन c आपका एक नंबर लाइन पे पॉसिबल होगा प्रिया, लेकिन दूसरी राइट प्रिया सिंह, y ग्रेटर देन c आपका एक नंबर लाइन पर पॉसिबल होगा, यस सर, दूसरी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन एक में तो हो रहा है ना पॉसिबल, इसलिए ये ट्रू तो होगा नहीं क्योंकि ट्रू के लिए तो दोनों में करेक्ट होना चाहिए, ये फॉल्स होगा क्योंकि एक में कर रहा है दूसरे में नहीं कर रहा, डेफिनेटली फॉल्स इसलिए नहीं होगा, कोई भी चीज डेफिनेटली फॉल्स तब होगी जब एक भी कंडीशन पे नहीं कर रहा होगा, जैसे कि थर्ड वाला, थर्ड क्या कह रहा है y इज लेस देन c, और अगर आप y और c के बीच में रिलेशनशिप देखोगे तो रिलेशनशिप है या तो y c से बड़ा है या y c के बराबर है,
और अगर आप इसको देखोगे तो ये कहीं भी दोनों में से एक भी जगह सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये होगा डेफिनेटली फॉल्स। क्या अभी समझ में आया सब लोगों को? सर हाँ बोलो। लेकिन इससे पहले वाले में जो था कि x is greater than y, y is greater than equal to z and z is equal to c में, उसमें हमने बहुत definitely false किया था। इसको? सर उसमें false, सर x is smaller than c और x is zero c को definitely false किया था। तो मैंने तब पढ़ाया नहीं था पहले, तो पहले तो मैंने भी definitely false तो अब बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। हाँ तो वो तो मैंने फॉल्स छोड़ दिए थे, इसलिए अब मैं फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में फर्क अब बता रहा हूँ आपको। ओके सर, क्लियर है सब लोगों को? एक बार थम्स अप करके बता दो अगर क्लियर है चीजें तो। क्वेश्चन नंबर वन बताओ। सर ऑप्शन डी ठीक। एफ ग्रेटर देन सी, तो सबसे पहले अगर आप एफ और सी के बीच में देखोगे तो एफ और सी ये वाला और ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक, एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी वेरिएबल्स के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल मिलेंगे वो हमेशा फॉल्स होंगे, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होंगे। तो फिर फॉल्स का मतलब ये होता है हम जब किसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, ये कभी डेफिनेटली फॉल्स नहीं होंगे, ये सिर्फ आपके फॉल्स होंगे। उसके बाद ए लेस देन बी, तो बी में अगर आप जाकर देखोगे ए और डी के बीच में, अगर आप देखोगे रेणुका अभी देखो ए और डी के बीच में अगर आप देखोगे तो ए और डी के बीच में भी अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं, ए और डी के बीच में भी अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स होगा। तो यहाँ पर आ रहा होगा नाइदर वन। समझ आया रेणुका? शीतल मतलब समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो? अभी क्लियर है ना शीतल? अभी क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या याद रखना है, ये पॉइंट समझ आया सब लोगों को कि जितने भी जब भी किसी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालोगे अगर अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं उनके बीच में,
अगर उनके बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं तो बेसिकली वहां पे क्या होता है आपका, आप कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, यू कैन नॉट से एनीथिंग। तो जब आप कांट से कहते हो तब आप फॉल्स, ठीक है, सबको क्लियर है फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स का डिफरेंस? यस सर। ठीक है, तो आज जो थ्योरी पढ़ाई है पूरा का पूरा टॉपिक इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है। इसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी जो मेंस में आ जाते हैं, मैंने इसे बताया ना मेंस में भी क्वेश्चन वेटेज थोड़ा कम है, लेकिन क्लेरिकल के एग्जाम्स में इसके मेंस में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनको सॉल्व करने का अप्रोच भी कम्प्लीटली अलग होगा, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स, ट्रू, इन सब चीजों में अच्छे से डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी इसकी एक बार थ्योरी और आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, जो भी आज पढ़ाया है उसकी थ्योरी एक बार और पढ़ लेना, ठीक है, उसकी थ्योरी को एक बार और पढ़ लेना, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे अपना नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। चलो बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर। Thank you.